वेलकम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 12 से। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, बट यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो हमारे पास थे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सो देखिए, हमारे पास बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ठीक है। इसका ऑर्डर आपके पास जो है वो 3x3 है। सॉल्यूशन करते देखिए, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट ए इज इक्वल टू आई ए, देन ए हमारे पास 0 1 3 एंड 1 2 1 एंड 2 3 1 इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी, और इन टू में हमारे पास है ए। कॉन्सेप्ट आपको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ, सेम टॉपिक पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए, ये जो हमारे पास ए होता है इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है इस टाइप से, और जो ऑपरेशन हम इस पे लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे वो हम राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे, सेम ऑपरेशन, चाहे आप वो प्लस कर रहे हो चाहे वो मल्टीप्लाई करवा रहे हो। क्लियर? इट्स मीन जो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो दिस वन, इसके ऊपर वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाएगा एंड आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, करते हैं। देखिए, अप्लाई करेंगे R1 इंटू R2 के साथ में, ये जो सिंबल है इसका मतलब है इंटरचेंज कर देना, ठीक है। इसमें हमारे पास R1 को तो R2 बनाएंगे और R2 को R1 बना देंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका R1 है 0 1 2, इसको लिखना है R2 के अंदर, और जो R1 हमारे पास है R2 जो है उसको हमें लिखना है R1 में। सो देखिए, 0 1 2 को हमने लिखा 0 1 2 R2 में, 1 2 3 जो हमारे पास R2 उसको हमने लिख लिया फर्स्ट पे 1 2 3। इसी टाइप से ये जो हमारे पास है 100 इसको लिखा हमने सेकंड पोजीशन पे यानी R2 में, और जो हमारे पास 010 है इसको हमने लिख लिया R1 में। क्लियर? अब सेकंड आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, आप यही ऑपरेशन भी लगा सकते हो और अनदर ऑपरेशन भी लगा सकते हो, वो आपके माइंड पे डिपेंड है किस टाइप से आप सोचते हो, किस टाइप से आप करोगे, ठीक है। और इसका कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी थिंकिंग, जो आप सोचते हो या आपके दिमाग की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है वो उस पर डिपेंड है ये, ठीक है। लेकिन करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही। सेकंड हम अप्लाई कर रहे हैं R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 3R1। जब आप ये अप्लाई करेंगे ऑपरेशन तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3, 0 1 2 एंड 0 -5 एंड -8। इसके बाद में हमारे पास इस पे भी अप्लाई होगा 0 0 1 0, 1 0 0 एंड 0 -3 एंड 1 इन टू में ए। इसके बाद में नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। देखिए, अप्लाई R3 में चेंज करना है, R3 प्लस में 5R2 यानी R2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो उसका सॉल्यूशन आएगा उसको R3 के साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये अप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 2 3, 0 1 2 एंड 0 0 2। इसके बाद में 0 1 0, 1 1, 1 0 0 एंड 5 -3 एंड 1 इन टू में ए, ठीक है। अब तक हमारा ये जो है मैट्रिक्स लेफ्ट साइड वाला वो आइडेंटिटी नहीं बना है। फिर अप्लाई करेंगे R3 में चेंज करेंगे यानी R3 को डिवाइड कराएंगे 1/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 को जब 1/2 से डिवाइड करवाते हैं तो 0/2 आएगा, और जब 0 हमारे पास नोमिनेटर में होगा तो आंसर 0 आएगा। अगर यहीं सेम सिचुएशन ऐसे हो तो आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड जिसको आप बोल सकते हो। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। इसके बाद में देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है, 1 2 3, 0 1 2 एंड 0 0 1, फिर हमारे पास है 0 1, 5/2, 1 0, -3/2 एंड 0 0 1/2 ए। इसके बाद में देखिए अप्लाई करेंगे R1 इम्प्लाइज फॉर R1 -3R3, तो हमारे पास आएगा 1 2 0, 0 1 2 एंड 0 0 1।
इसके बाद में यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करके चेंज किया हमने, तो हमारा आंसर आ गया -15/2, 1 and 5/2। इसके बाद में हमारे पास जो C2 है वो हमारे पास है 11/2, 0 -3/2, एंड C3 हमारे पास है -3/2, 0 and 1/2। एंड नेक्स्ट देखिए इसमें हमारे पास क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे R2 माइनस में 2R3, और ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 120, 012, फिर 001। ठीक है, अब यहाँ पे रहता है सिर्फ आप 2 को 0 बनाना आपके पास। ठीक है, सिंपल अप्लाई करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 -2R2, और यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया वो इस पर भी अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन यहाँ पे है भी अप्लाई करना है। इसके बाद में क्या करना है देखिए, ये ए जो है राइट साइड से लेफ्ट में लेके आएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा। इसके प्रोडक्ट में आइडेंटिटी है इक्वल टू, आपके पास जो यहाँ चेंज हो रहा है वही सेम यहाँ पे है। ठीक है, आइडेंटिटी मीन 1 है, 1 के प्रोडक्ट अगर मैं ए इन्वर्स से करवाता हूँ तो मेरा क्या आएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो ये है 1/2 -1/2 एंड +1/2। R1 को मैंने अभी बताया है, फिर हमारे पास है R2 क्या रहेगा -4, 3 and -1। R3 हमारे पास क्या रहेगा 5/2 -3/2 and 1/2। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सेम कॉन्सेप्ट, सेम आपके पास थ्री ऑर्डर का कोई अनदर मैट्रिक्स लिया है, एज इट इज़ लिखेंगे, फिर आपके पास लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए हमारे पास लिखा हमने, फिर अप्लाई करेंगे R1 चेंज ऑफ 1/2 इंटू R1, तो ये हमारे पास चेंज हो क्या आएगा, लेफ्ट और राइट बोथ साइड हम क्या करेंगे सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे सेम टाइम पे 150011, फिर हमारे पास -1/2, 0 and 3। सो इस टाइप से हमारे पास क्या आ गया 1/2, 0001 and 001 into A। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R2 चेंज ऑफ R2 -5R1, तो हमारे पास बनेगा 100011 -1/2, 5/2 and 3, फिर हमारे पास है 1/2 -5/2, 0 and 010 and 001 into A। ठीक है, एंड इसके बाद में हमारे पास है अप्लाइंग R3 में चेंज करेंगे R3 -R2, तो हमारे पास क्या आएगा 100010 -1/2, 5/2, 1/2। इसी टाइप से हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1/2 -5/2, 5/2, 0, 1, -1, 0, 0, 1। इसके बाद में फिर अप्लाई करेंगे ऑपरेशन R1 चेंज करेंगे, R1 को R3 से ऐड कर देंगे, एंड साथ में हम दो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी कैलकुलेशन एक टाइम में करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास है R2 implies 4 R2 -5R1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 100010001/2। सेम यहीं पे अप्लाई करेंगे दोनों ऑपरेशन। इसके बाद में हम अप्लाई कर रहे हैं R3 में चेंज करेंगे 2R3 से, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी बन जाएगी और हमारा प्रोसेस जो था वो स्टॉप हो जाएगा। बट जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है R3 पे, वही हम क्या करेंगे राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ए को लेफ्ट से साइड में लेके आएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और फिर ए इन्वर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स। सेम टॉपिक सॉल्यूशन करेंगे, ए हमने मैट्रिक्स लिया, फिर हम राइट करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए लिखा आई आइडेंटिटी थ्री ऑर्डर की और ए हमारे पास एज इट इज़। इसके बाद में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा अप्लाई R2 चेंज करेंगे R2 -R1 एंड R3 में चेंज करेंगे R3 -R1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1003 10301, फिर 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारे पास अप्लाई करेंगे R1 में चेंज करेंगे R1 -3R2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1003 10 एंड 001,
एंड फिर हमारे पास 4-1 एंड -1 0 1 0 एंड -3 0 1। इसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आर वन में चेंज करेंगे। आर वन में क्या चेंज करेंगे, आर वन -3 R2, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी और यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी आते ही हमारी क्वेश्चन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये ए आपके पास इनवर्स में जाएगा, तो हमारे पास होगा ए इनवर्स इक्वल टू 7-1 -1 -3 1 0 एंड -3 0 1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सो देखिए, बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर हमारा सेम कॉन्सेप्ट ए इज इक्वल टू आई ए, ए की जगह ए की वैल्यू, आई की जगह आइडेंटिटी, और ये जो राइट साइड वाला है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, फिर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेशन में क्या होगा, देखिए R3 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे R2-3 R1। सो R2 हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास जो आंसर आएगा 1 2 1, फिर हमारे पास 0-5 1, फिर हमारे पास आंसर है 0 1 2 इक्वल टू हमारे पास है 1 0 0 एंड -3 1 0 एंड 0 0 1। इसके बाद में अप्लाई करेंगे R1 इम्प्लाइज 4-1/5 R2, यानी -k/5 से डिवाइड कराएंगे R2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 0 0 2 1 1 एंड फिर हमारे पास है 1 1/5 एंड 2 इक्वल टू हमारे पास है 1 3/5 0 एंड 0-1/5 0 एंड 0 0 1 इन टू ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1-2 R2 एंड R3 में चेंज करेंगे R3-R2, तो हमारे पास आएगा 1 0 0 0 1 0। ये आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, एंड फिर हमारे पास जो होगा R3 इम्प्लाइज R3 में से R2 माइनस करेंगे। पहले ये ऑपरेशन अप्लाई कर लें या फिर साथ के साथ अप्लाई करना है, तो जैसे R1 में से 2R2 माइनस करना है, तो R1 आएगा चेंज होके, फिर उसी टाइम आप अप्लाई कर दें कि R3 में चेंज करना है, R3 में से R2 माइनस करना है, तो ये R2 तो चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ R1 और R3 पे अप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए दिस वन, ये दो हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आप अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास आएगा -1/5 3/5 एंड -3/5, फिर 2/5 -1/5 एंड +1/5 एंड 0 0 1। नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, R3 को डिवाइड कराएंगे 5/9 से, तो हमारे पास आएगा 1 0 0 एंड 0 1 0, 3/5 1/5 1, सेम इसी टाइप से। फिर हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन R1 इम्प्लाइज़ R1 में चेंज करना है, तो R1 इम्प्लाइज 4 R1-3/5 R3, फिर हम R2 पे भी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये आपके माइंड में डायरेक्ट ऑपरेशन ना आए, तो अपने माइंड से ही आप ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं और वो भी अप्लाई करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है आपका ये, और लेंथ आपके इंक्रीज भी हो सकती है, वो आपके सोचने की थिंकिंग पे डिपेंड है कि किस टाइप की ट्रिक आप सोच के इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 0 1/3 -1/3, ये हमारे पास आंसर रहेगा। ए को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको खुद से करना है प्रैक्टिस के लिए, आंसर भी आपको दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सेम कॉन्सेप्ट, 3 ऑर्डर किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, फिर हमें आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी के लिए हम इस क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करेंगे, देखिए ऑपरेशन R1 में चेंज करेंगे 1/2 R1 एंड फिर आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 -3/2 एंड 2-2 3/2 3 2 और दिस वन। फिर हम अप्लाई करेंगे R2 में चेंज करेंगे R2-2 R1, R3 में चेंज करेंगे R3-3 R1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये जो ऑपरेशन हमारे पास बनेगा इसके बाद में, वो हमारे पास आएगा 100 देस वन एंड देस वन, ठीक है। फिर हम अप्लाई करेंगे कि जो आर टू है उसको हम, जैसे ये आर टू है इसको हम डिवाइड कराएंगे 1/5 से, ठीक है। इससे क्या हमारे पास आएगा, ये जीरो को अगर मैं 1/5 से डिवाइड कराता हूँ तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पास 1 आ गया है। इसके बाद में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई आर वन इन चेंज करेंगे आर वन प्लस थ्री थ्री बाई टू आर टू, एंड आर थ्री में चेंज करेंगे आर थ्री माइनस 5/2 आर टू। तो हमारे पास क्या आएगा, 100 010 3/2 जीरो एंड माइनस 5/2 एंड दिस वन, ठीक है। इसके बाद में देखिए अप्लाई करेंगे, आर थ्री में चेंज करेंगे, डिवाइड कराएंगे आर थ्री को माइनस 5/2/5 से। ये देखिए इससे क्या हमारे पास आएगा, कि पहले से हमारे पास माइनस के 5/2 है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करवा रहे हो, माइनस के 2/5 से, तो क्या होगा, ये यहाँ से चेंज होके माइनस का साइन तो आया आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/5, आपके पास है 5/2 है, और यहाँ आपके पास जो है 2/5 से करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इस टाइप से है, माइनस के आर थ्री में जो हमारे पास है माइनस के, हाँ इसके साथ में हम प्रोडक्ट करवाइए, सॉरी, क्योंकि डिवाइड नहीं है, प्रोडक्ट में है ये, यहाँ डिवाइड नहीं है, प्रोडक्ट है, ठीक है। डिवाइड तो हमारे पास तब होता जब हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 2/5 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास रिजल्ट आएगा, आर थ्री चेंज करेंगे हमारे पास आर वन में माइनस 3/2 आर थ्री, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, माइनस 2/5 माइनस 1/5 2/5 3/10 1/5 1/5 0 0 माइनस 2/5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ए आपके पास गिवन मैट्रिक्स, उसको हम एज इट इज़ राइट करें, फिर हमारे पास लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, फिर अप्लाई करेंगे आर थ्री में चेंज करेंगे आर थ्री माइनस 3 R1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा आर थ्री माइनस 3 R1 100 माइनस 1 2 1, फिर 2 माइनस 3 माइनस 2, सेम इस पे अप्लाई करें जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करेंगे आर टू में चेंज करेंगे 1/2 R2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 100 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3/5 3/2 एंड माइनस 2 1 एंड 0 माइनस 3 एंड 0 1/2 एंड 0 0 1, ठीक है। इसके बाद में अप्लाई करेंगे आर थ्री चेंज करेंगे आर थ्री में माइनस करेंगे आर टू को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 100 माइनस 1 और 10, फिर हमारे पास 2 माइनस 3/2 एंड माइनस 1/2 इक्वल टू हमारे पास आएगा 10 माइनस 3 एंड 0 1/2 एंड माइनस 1/2, फिर हमारे पास 0 0 1 इंटू ए, और फिर हम ऑपरेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस तो हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आ जाएगी। सो अप्लाई करेंगे आर टू में से आर थ्री माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 100 माइनस 1 1 एंड 0 2 माइनस 1 एंड माइनस 1/2। सेम राइट साइड में हमारे पास बनेगा 1 3 माइनस 3 0 1 माइनस 1/2 0 माइनस 1 एंड 1। अप्लाई करेंगे आर थ्री तो हमारे पास आएगा माइनस 2 R3, सो हमारे पास 100 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 और 1, यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी के साथ में चेंज करके हमारे पास ए है। अप्लाई आर टू में चेंज करेंगे आर टू प्लस आर थ्री, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 1 1 0 एंड 2 0 1, यहाँ पे भी सेम चेंज होंगे हमारे पास। अप्लाई करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में आर वन में चेंज करेंगे R1 प्लस R2, तो हमारे पास आएगा 100 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करवा के आर वन में से माइनस कर देते हैं, तो यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। ये सेम प्रोसेस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे दोनों पे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, आंसर जो रहेगा
-2, 9, 6, 0, 2, 1, फिर हमारे पास 1, -3, -2। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन निकालने की। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 के। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।